बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज़ एचडी और मैं हूं सुबह से। आ नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। मीरपुर खास में कायम होने वाली पहली यूनिवर्सिटी इब्ने सीना की इफ्तिताही तकरीब मोहम्मद मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में मुनक्कद की गई। तकरीब में हायर एजुकेशन सिंध की चेयरमैन डायरेक्टर और मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद जाफरी के अलावा शहर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरकान, एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अली नवाज भोत मंसूर चेमा, प्रोफेसर डॉक्टर वाइस चांसलर शमसुल आरिफीन, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज अली मेमन, डॉक्टर हबीबुर रहमान चौहान और समाजी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के अरकिन के अलावा सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इब्ने सीना यूनिवर्सिटी के चांसलर सैयद रजी मोहम्मद जाफरी का कहना था कि शॉर्ट एक 25 साल पुराना ख्वाब है जिसकी आज ताबीर देख रहा हूं और एक दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी का आगाज़ कर दिया है। रिपोर्ट मोहम्मद इलियास कुरेशी, पाक 99 न्यूज़, मीरपुर खास। और इनोग्रेशन की मेरी आवाज़ बैठ गई तो लिहाजा आप तो उनको सुनने में ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा बातें बनाने की। मैं आगाज़ करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से और उसके नबी सल्लल्लाहु वसल्लम के नाम से और उनके वैद और उनके फैमिली के नाम से और उनके जो साथी थे उनके नाम से। मैं इस तरह शुरू करता हूँ कि आज से 75 साल पहले जब इंडिया की सरजमीन तंग हो गई मुसलमानों के लिए और वहाँ से लोग निकले तो दो बुजुर्ग थे, एक का नाम था मौलाना सैयद आरिफ हुसैन और एक का नाम था सैयद गुलाम। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहे पाक 99 न्यूज़ HD।